Hello friends, this is Dr. Ranjita Mukherjee and I welcome you all to my channel Prejuris. As you know, the motive of this channel is to provide the information in such a way that it could be helpful for the students who are preparing for various competitive examinations, especially the judicial service examinations. And at the same time, another motive of this channel is to provide you with proper insight of the subject. Please do watch the video till the end and not forget, if you like the video, don't forget to like and share it with your friends. And if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Otherwise, you are not going to get the notification alert as soon as I upload a new video. आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी. दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड इज कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स. वन इज द सब्सटैंटिव लॉ एंड अनदर इज द प्रोसीड्यूरियल लॉ. नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब्सटैंटिव लॉ क्या है? तो एक लेमैन लैंग्वेज में या एक आम आदमी की भाषा में बोले तो कुछ ऐसे स्टैट्यूट जिसमें ऑफेंस को डिफाइन किया जाता है और इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं. अब सब्सटैंटिव लॉ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि और लोगों को ये पता चल गया कि किस काम को करने से वो ऑफेंस होगा और किसको नहीं करने से वो ऑफेंस नहीं होगा, और अगर हम कोई इस तरह का ऑफेंस करते हैं तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो ये हमें पता चल गया. दैट मीन्स अगर हमको डेफिनेशन अगर हम जाके देखें, आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, तो वहाँ पे अगर हम डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट देखते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि अगर हम किसी का मूवेबल ऑब्जेक्ट को उस रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ, ताकि उसे एक रॉन्गफुल लॉस हो और हमें एक रॉन्गफुल गेन हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हम उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं या वहाँ से मूव कर देते हैं, तो वो थेफ्ट होता है. तो थेफ्ट हमें पता चला कि थेफ्ट का डेफिनेशन क्या है. लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा कि कोई व्यक्ति जिसने चोरी किया वो खुद ही ऑफन कोर्ट के पास आ जाए या पुलिस के पास आ जाए कि भैया मैंने चोरी किया है, मुझे पकड़ो? ऐसा तो होता नहीं है. तो उनके लिए हमें कुछ प्रोसीड्योर्स को देना पड़ता है, क्योंकि लीगल सिस्टम का मोटिव सिर्फ लॉ को डिफाइन करना या उसको बताना कि लोग इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बताना ही नहीं है. लॉ का एक और मोटिव है कि उस चीज़ को वो प्रिवेंट करे, और अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिले. तो इसको करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक अदर लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो है प्रोसीड्यूरियल लॉ की. तो प्रोसीड्यूरियल लॉ, जहाँ तक हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, तो सीआरपीसी एक ऐसा ही एक्ट है जिसमें प्रोसीड्योर्स बताता है कि एक ऑफेंस होने के बाद और ऑफेंस के होने के बाद से लेके जस्टिस तक, जस्टिस मिलने तक का क्या क्या प्रोसीड्योर है. और इसमें दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखा गया है, विक्टिम्स के बेनिफिट को भी देखा गया है, अक्यूज्ड पर्सन के बेनिफिट को भी देखा गया है, उनके राइट्स को भी कंसिडर किया गया है. एट द सेम टाइम कौन सा प्रोसीड्योर, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए प्रोसीड्योर का कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह के केसेस होंगे तो हमको उसको किस तरह से डील करना है. तो ये एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हम कैसे प्रोसीड्योर्स को आगे बढ़ाते हैं. सो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड को एक काफ़ी बड़ा कोड है, इसको 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर्स एंड इट कंटेन्स 484 सेक्शंस. सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऑफेंस होने से लेकर पनिशमेंट होने तक कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किया जाता है. और जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस लेते हैं कि कहीं पर एक ऑफेंस हुआ, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऑफेंस हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, डाका हो सकता है, खून हो सकता है, या छोटा सा एक मारपीट हो सकता है. तो किसी भी तरह का अगर ऑफेंस होता है, ये सारा ही क्राइम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. आप अगर किसी को हल्का सा भी हर्ट कर देते हो तो वो ऑफेंस है, हर्ट में इसको डिफाइन किया गया है. तो अगर हम छोटा हो या बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, कुछ भी ऑफेंस होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यस हम क्या करते हैं, हम पुलिस को
इन्फॉर्म करते हैं। तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को हम इन्फॉर्म कैसे करते हैं? या तो हम फोन के द्वारा करते हैं या फिर हम वहाँ जाके इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस क्या करती है, उसको एक रिटन फॉर्मेट में लेती है, या तो खुद से वो पुलिस खुद ही लिखती है या जिसने इन्फॉर्मेशन दिया है उनसे लिखवाती है। ये दोनों होने के बाद इसको हम लोग कहते हैं FIR। तो FIR जो शब्द है इसको तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन CRPC में FIR शब्द को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कहीं पर डिफाइंड नहीं है, ये शब्द कहीं पर डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे प्रोसीड्योर बताया जाता है कि कैसे पुलिस इस FIR को लेगी और कैसे उसके ऊपर काम करेगी। अब आते हैं, जब ये हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद पुलिस लिखने के बाद ये बेसिक ड्यूटी होती है पुलिस की कि वो FIR का एक कॉपी जिसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसको प्रोवाइड करे, और वो कॉपी उसको जो दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब तो पुलिस को काम करना है, तो पुलिस पहले क्या करती है, वो डिफरेंशिएट करती है दोनों उस ऑफेंस के बारे में। दैट मींस वो ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस उस तरह के ऑफेंस हैं जहाँ पे पुलिस एम्पावर्ड है कि वो अरेस्ट कर सकता है और उसको वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में पुलिस एम्पावर्ड नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, उसको वारंट लेना पड़ता है। दैट मींस ऑर्डर ऑफ द जज उसको लेना पड़ता है तभी वो अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तभी पुलिस के पास वो एम्पावर्ड है कि वो डायरेक्टली उस जगह पे जाए, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे जाए और जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे। नाउ जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो घटना की जगह पे जाता है यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे जाता है और वहाँ पे छानबीन करता है। छानबीन करने के बाद अगर उसे कोई सस्पेक्ट मिलता है तो वो उसको अरेस्ट करता है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल केस है तो उसको उसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है। डिटेल प्रोविजन अरेस्ट के बारे में, राइट्स ऑफ द अक्यूज पर्सन, ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द पर्सन हु कैन अरेस्ट, ऑल दीज प्रोविजन्स यू विल गेट इन चैप्टर 5 ऑफ द CRPC। CRPC में एक सेपरेट चैप्टर डेडिकेट किया गया है अरेस्ट के प्रोविजंस पे। अब जब अरेस्ट होता है तो अक्यूज्ड पर्सन के माइंड में कुछ और जाता है। फर्स्ट थिंग, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। तो सेफर पिछले बार हमने ऑफेंस को कब डिफाइन किया था, जब पुलिस ऑफिसर उसको डिफाइन कर रहा था कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। यहाँ पे हम ऑफेंस को क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। क्यों? अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो अक्यूज जो है उस बेल को क्लेम कर सकता है एज अ राइट, और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड इज नॉट गोइंग टू गेट अ बेल, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल जो होता है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। अरेस्ट के साथ अक्यूज्ड पर्सन और द अरेस्टेड पर्सन के बहुत सारे राइट्स जुड़े हुए हैं। जैसे ही किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट सच एन अरेस्ट द पुलिस इज बाउंड टू प्रोड्यूस द पर्सन इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ये बेसिक ड्यूटी होता है पुलिस ऑफिसर का और ये बेसिक राइट होता है सस्पेक्ट पर्सन का, द पर्सन अरेस्टेड। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी फॉलो करना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन एक दिन में कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड दे माइट नीड सम मोर टाइम, देर माइट बी सम मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। तो इस तरह की कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यूड होता है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है, बेसिक क्राइटेरिया ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर को 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन हर समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन दैट केस पुलिस जो है मैजिस्ट्रेट के सामने ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि उस अक्यूज को उनको कस्टडी में रखना है। अब ये काम करने के लिए पुलिस पहले तो उनको लेके जा रही है मैजिस्ट्रेट के पास और वहाँ पे जाके पुलिस ग्राउंड्स दिखाती है कि क्यों उसको कस्टडी चाहिए, मे बी क्योंकि एविडेंस टैम्पर हो सकता है या अक्यूज भाग सकता है, कुछ भी इस तरह के रीजंस को दिखा, और उसको इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली करने के लिए उस अक्यूज की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसा ग्राउंड हो सकता है, उसके बेसिस पे अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है
तो वो उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखने की इजाजत देता है, लेकिन ये कस्टडी कैन नॉट गो बियॉन्ड 15 डेज, मतलब मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी विच अ पर्सन और विच अ जज कैन गिव इज इन इज ऑर्डर इज 15 डेज। और इस 15 डेज के कस्टडी के बाद और एक प्रोविज़न आता है जो कि जुडिशियल कस्टडी कहलाता है, यानी कि वो पुलिस कस्टडी नहीं है, जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी में फिर दो तरह का ऑफेंस डिवाइड किया जाता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो सज़ा है काफ़ी एग्रेवेटेड है, काफ़ी बड़ा सज़ा है, जैसे 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी, इस तरह की सज़ा वाले ऑफेंसेस में जुडिशियल कस्टडी का पीरियड एक्सटेंड कर सकता है 90 डेज तक का। और अदर्स अदर देन दीज ऑफेंसेस जिसको अभी मैंने बताया, जैसे यानी 10 साल से नीचे के पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस के लिए जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड जो दिया गया है सीआरपीसी में हुआ है 60 डेज का। इस पर भी हम लोग डिटेल बाद में बात करेंगे। और इस बीच पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो उसको एक पुलिस रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में चार्जशीट बोलते हैं, चार्जशीट दाखिल करना, क्योंकि उसमें चार्ज का मेंशन किया रहता है कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगा हुआ है। अगेन हम वर्ड में आते हैं चार्ज। चार्ज जो डिफिनेशन दो सेक्शन 2B में चार्ज बोला गया है, लेकिन चार्ज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। चार्ज का कोई डेफिनेशन एक्चुअली है ही नहीं सीआरपीसी में। चार्ज के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल। पुलिस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद ट्रायल शुरू होता है। अब ट्रायल का अगर हम लोग डेफिनेशन खोजे तो सीआरपीसी में ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मली इसके स्कीम के बेसिस पे इसको डिफाइन करें तो ट्रायल वो प्रोसीड्योर होता है जो हम लोग कोर्ट के सामने फॉलो करते हैं प्रोसिक्यूशन के केस को ओपन करने से लेके जजमेंट तक का। तो इस एंटायर प्रोसीड्योर को हम लोग ट्रायल कहते हैं। और इसके लिए सीआरपीसी में केसेस को दो भागों में बांटा गया है, वारंट केसेस एंड द समन केसेस। और ये डिवीजन जो है पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कितना पनिशमेंट दिया गया है उस ऑफेंस, कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट कितना तक दिया जा सकता है, उसके बेसिस पे ये केस को डिवाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी वारंट केस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा केस और ऐसा ऑफेंस या कोई भी एलिगेशन किसी व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है जिसका सज़ा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का होगा, 2 साल से ज़्यादा हो कुछ भी हो सकता है, इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी ऑफेंस जो है वारंट केस कहलाता है। और 2 साल से नीचे के सज़ा यानी अप टू 2 ईयर्स का पनिशेबल ऑफेंसेस जो होता है उस तरह के केसेस को समन केस कहा जाता है। वाई वी नीड दिस काइंड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि ट्रायल का, चार तरह का ट्रायल हमारे सीआरपीसी में दिया गया है। चार तरह का ट्रायल कौन कौन सा है? सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। तो ये केस वो वारंट केस है या समन केस है उसके डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायल को फॉलो, ट्रायल के मेथड को फॉलो किया जाएगा। लेकिन कोई भी मेथड को फॉलो करे, अगर हम देखें तो अगर हम ओवरऑल स्कीम को देखें तो कुछ ही स्टेप्स ये फॉलो किए जाते हैं जो कि कॉमन है सबके लिए। तो पहला स्टेप क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ये क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो प्रोसिक्यूशन इज़ द पर्सन हु इज़ ओपनिंग द केस, क्योंकि स्टेट ही हमेशा यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है। केस जो है वो स्टेट के द्वारा ही फाइल किया जाता है। तो विक्टिम अपने से या विक्टिम के फैमिली मेंबर्स खुद से केस फाइल नहीं कर सकते हैं क्रिमिनल केसेस में। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन केस को ओपन करती है, यानी जो भी लॉयर है, APP पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनमें से कोई भी ये लोग होते हैं गवर्नमेंट प्लीडर्स, तो ये लोग कोई भी आएंगे और उस केस को, जिनको जिनको भी ये डेजिग्नेट किया गया है, वो लोग आके केस को ओपन करते हैं। केस को ओपन करना मतलब क्या होता है कि वो केस का पूरा डिटेल्स कि क्या क्या घटना घटा था, फ्रॉम द इंसिडेंट्स टू द पुलिस रिपोर्ट, वो सारा वर्णन करते हैं ताकि जज को और द पार्टीज कंसर्न को ये पूरा इंफॉर्मेशन रहे। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद सारे एविडेंस जो भी बेसिक एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं जजेस को, अगर उनको दिखता है कि हाँ यहाँ पे एविडेंस है, कुछ ग्राउंड्स है जिस पे केस आगे बढ़ सकता है, तो केस फर्दर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर पता चलता है इसमें फाउंडेशन ही नहीं है, यहाँ पे एविडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से क्या होता है कि इस स्टेज पे अक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है।
अब आप यहाँ पे दो वर्ड्स आप देखेंगे, एक डिस्चार्ज और एक एक्यूटल। एक्यूटल में भी अक्यूज को छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज में भी अक्यूट अक्यूज पर्सन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। एक्यूटल कब होता है, जब उनके खिलाफ एविडेंस तो थे, उनके खिलाफ कुछ ग्राउंड्स तो थे, लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया, ये प्रूव हुआ कि वो बेकसूर है, तो उनको पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर केस से, उस पर्टिकुलर एलिगेशन से। और एक बार एक व्यक्ति अगर एक्यूटल हो जाता है कोर्ट से, तो उसके ऊपर सेम ग्राउंड्स पे फिर कोई केस फाइल, सेम ग्राउंड्स सेम पार्टी उनके ऊपर फैल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को दो बार एक ही जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्टी एक्यूटल में लगता है। लेकिन डिस्चार्ज, क्योंकि अभी केस चला ही नहीं, वेदर वो गलती किया है या नहीं किया ये प्रूव ही नहीं हुआ, तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, एविडेंस की कमी की वजह से उसको छोड़ा जा रहा है, तो वो डिस्चार्ज किया जा रहा है, यानी अभी के लिए उसको चार्ज से मुक्ति मिल रही है। लेकिन अगर एविडेंस मिलता है, प्रॉपर ग्राउंड मिलता है, तो उसके ऊपर फिर से इस पे केस चलाया जा सकता है। अब आते हैं, जब एविडेंस मिल गया, अगर एविडेंस है, कुछ बेसिक ग्राउंड है, तो उसके बेसिस पे हमारा केस आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करती है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो वर्ड हम बोल रहे हैं, ये चार्ज जो है वो चार्जशीट, पुलिस वाला चार्जशीट से टोटली डिफरेंट है। पुलिस वहाँ पे रिपोर्ट बना के दे रही है, उसको हम लोग चार्जशीट बोल रहे हैं। उसमें भी उसने कुछ एलिगेशंस लगाए होंगे ऑफेंडर के ऊपर या सस्पेक्ट पर्सन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उसने जो लगाया है, पुलिस रिपोर्ट में जो लिखा गया है, वही फ्रेमिंग, वही चार्ज फ्रेम करेगा जज। जज सब कुछ सुनने के बाद, उनका प्रोसिक्यूशन का केस सुनने के बाद, अपने हिसाब से कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करता है। और फ्रेम करने के बाद वो अक्यूज को उसको पढ़ के सुनाता है और बताता है कि उसके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं, और उससे पूछता है कि आप ये एलिगेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं, या तो अक्यूज जो है वो गिल्टी प्ली कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गलती, या वो गिल्टी प्ली नहीं करता है। तो अगर वो गिल्टी प्ली कर लेता है, तो क्योंकि उसने ऑफेंस को अपना मान ही लिया है कि उसी ने गलती की है, उसी ने ऑफेंस किया है, तो उसका वहीं पे उसी स्टेप में कन्विक्शन हो जाता है और ट्रायल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर अक्यूज ने गिल्टी प्ली नहीं किया, तो हम लोग अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, ट्रायल कंटिन्यू होता है। तो अक्यूज ने जब गिल्टी प्ली कर लिया, तो उसका वहीं पे कन्विक्शन हो गया, केस वहीं पे ख़त्म हो गया। अब अक्यूज जब गिल्टी प्ली नहीं करता है, तब क्या होता है, तब यानी कि ट्रायल आगे बढ़ता है, ट्रायल आगे बढ़ता है इन द सेंस, अब प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ केस को ओपन किया था, अब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस को लाएगा, एविडेंस पे बातें होगी, एविडेंस को, विटनेसेस को जज किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है इस स्टेज पे, ताकि प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस को स्टैंड करवा सके। अब सारा प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस को देखने के बाद, अगर जज को ये लगता है कि वो जो पर्सन है, द अलेज्ड पर्सन जो है, वो गिल्टी नहीं है, तो उसका इस स्टेज में एक्यूटल हो जाता है। तो ये एक जजमेंट है, एक्यूटल हो गया, यानी वो केस वहीं पे ख़त्म हो गया, अब वो बरी हो गया है, अब उसके ऊपर इस सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज़ कोई केस लॉज नहीं हो सकता है। अब अगर वहाँ पे वो गिल्टी, नॉट गिल्टी नहीं प्रूव होता है, ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि उसने गलती नहीं की है, अब क्या है इस केस में, फिर डिफेंस को एविडेंस लाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे चुका है, अब डिफेंस आएगा, वो अपने एविडेंस को प्रेजेंट करेगा। तो एविडेंस ऑफ द डिफेंस होने के बाद, डिफेंस अपनी तरफ से जो भी विटनेसेस हैं उसका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन इफ़ रिक्वायर्ड, कुछ भी होता है, वो सारा होने के बाद दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों पक्ष जो है आर्ग्यूमेंट करेंगे। आर्ग्यूमेंट मीन्स अपने अपने स्टेट, अपने अपना जो भी व्यू पॉइंट है उस पर्टिकुलर, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंस प्रेजेंटेड बाय देम, दे विल सेंड दैट व्यू पॉइंट, दे विल प्रोवाइड दैट आर्ग्यूमेंट हियर, एंड उसके बेसिस पे जजमेंट होगा। तो जजमेंट होने के बाद, जजमेंट जब दिया जाता है, तो जजमेंट में या तो कन्विक्शन होता है या एक्यूटल होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन जजमेंट जो होता है हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर होता है। दैट मींस वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन, क्यों उसने वो जजमेंट दिया है, किस रीजंस के बेसिस पे, उसके लिए इसको क्या एविडेंस मिला है, कौन से ग्राउंड पे उसको ये जजमेंट पे पहुँचे हैं, ये सारा चीज़ को मेंशन करना पड़ता है।
अब जजमेंट हो गया, जजमेंट में या तो कन्विक्शन हुआ या एक्यूटल हुआ। तो अगर कन्विक्शन होता है या एक्यूटल होता है तो अपोनेंट पार्टी जिसके अगेंस्ट में ये जजमेंट गया है, अगर कन्विक्शन हुआ है तो अक्यूज्ड, और अगर एक्यूटल हुआ है तो स्टेट, वो उनके पास एक और ऑप्शन रहता है। अगर उनको फील होता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वो अपील या रिविजन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे अपील और रिविजन दोनों की प्रोविजन है सीआरपीसी में, उसके साथ एक रेफरेंस की भी प्रोविजन है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे उसके भी लिखें, ताकि मैं मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये वो हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का सोर्स बनेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।